हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के बारे में। दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट का फोर्थ शेड्यूल आपका जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआरबी इलाहाबाद के बारे में। दोस्तों कल शाम से ही आपका एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था और जो फ्रेंड्स यहाँ पर लॉग इन करके चेक कर पा रहे थे तो उनका एडमिट कार्ड उनके दोस्तों एडमिट कार्ड लॉगिन करने के बाद उनको वहाँ पे मिल जा रहा था और वो आसानी से डाउनलोड करके अपना शेड्यूल चेक कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों आज आपका फिर से ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है जिसमें फोर्थ शेड्यूल पूरा आपका अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे आरबी इलाहाबाद का। तो जो फ्रेंड्स पूरी लिस्ट को देखना चाहते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है फोर्थ लिस्ट में और दोस्तों कितने शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, बीच में कितना गैप लिया गया है, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ आपका जो ये लिस्ट है फोर्थ वाला, इसका पूरा जो शेड्यूल बनाया गया है वो आपका 11 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक बनाया गया है। इसके पहले जो थर्ड लिस्ट था वो 9 अगस्त तक आपका कंप्लीट हो रहा था, 9 के बाद दो दिन का गैप है, 9 के बाद दोस्तों 10 को गैप है, केवल 11 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा 11 से लेकर 29 तक। और दोस्तों बीच में 14 और 15 अगस्त को आपका गैप रखा गया है, उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब कुछ देख लेते हैं क्या ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है इसके बारे में। और दोस्तों इसके अलावा पूरा लिस्ट आपके सामने ओपन कर दूंगा। और फ्रेंड्स जो आपका पांचवा लिस्ट है, कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बच गए हैं जिनका अभी तक फोर्थ लिस्ट में नाम नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों फिफ्थ लिस्ट आपका कब तक जारी होने वाला है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों उसी के रिगार्डिंग में हम बात करने वाले हैं कि पांचवें लिस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट्स का नाम आने वाला है, सब कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए पहले हम बात करते हैं फोर्थ लिस्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट आपका अपलोड हो चुका है आरबी इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहीं से मैंने ये डाउनलोड करके आपके सामने ओपन कर दिया है। मैंने देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल टेस्ट फॉर फ्रॉम 11 अगस्त टू 29 अगस्त। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया है। और सो डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11/8/2019 8:30 AM। कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए आपका 90 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। फिर यहाँ पे 1 बजे वालों को दोस्तों कैंडिडेट यानी आफ्टरनून सेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आपका 80 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। मैक्सिमम डेज में दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में 90 को और इवनिंग शिफ्ट में आपके यानी आफ्टरनून सेशन में आपके 80 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब देखिए दोस्तों इसी तरह 13 को भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, फिर 14-15 गैप है, फिर 16 को आपका एग्जाम हो जाएगा, 16 के बाद 17-18-19-20 आपका देखिए 21-22-23-24-25-26 सब आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लास्ट में हम बात करने वाले हैं, देखिए 29 तारीख को आपका लास्ट जो आपका डेट है अभी फोर्थ शेड्यूल में। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं देखिए आपका 29 तारीख को लास्ट है तो जाहिर सी बात आपका 19 तारीख को, जी हाँ फ्रेंड्स आपका 19 तारीख के आसपास 18 को या 19 को आपका जो फिफ्थ लिस्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप दोस्तों उसके आसपास में ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप विजिट करने का आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा। आपको जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई कोई अपडेट मिलती है रेलवे से संबंधित, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। अब देखिए सर लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका जो डीवी होने वाला है वो आपका शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SIET एजुकेशनल ब्लॉक झलवा प्रयागराज में होगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए भी कोई आपका अपॉइंट नहीं हुआ है, कोई भी प्लेस आपका फिक्स नहीं होता है, वो वहाँ पर डिसाइड किया जाता है आरआरबी के द्वारा। अब दोस्तों हम बात करते हैं देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ फोटो अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। आपके दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड के नीचे मेंशन कर रखे हैं सभी आपको लेके जाने हैं, जो जो जिसके लिए आप एप्लीकेबल हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और 2 सेट उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और दोस्तों हम बात करते हैं तो आपके ये 6 जो है कलर फोटोग्राफ होने चाहिए आपके, 6 कलर जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए जो 1 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। और दोस्तों CBT 1 CBT 2 और आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट था आपका साइको एग्जाम हुआ था उसका अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप जा सकते हैं लेकिन अगर है तो ज़रूर ले जाइएगा। और इसके अलावा एक दोस्तों एक चीज़ बहुत ही फोकस कर रहे हैं आपकी बार रेलवे वाले, दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन फीस है वो केवल और केवल 24 रुपये है और केवल वही आपको DD के टाइम पे करना है,
उसके बाद आपको उसकी रसीद मिल जाएगी, वही रसीद लेके आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जाना होगा, वही आपके लिए मेडिकल एग्ज़ाम में मान्य होगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगभग कम से कम आप 4 दिन का पूरा अपना प्रिपेयर करके आएँ, कि आपको 4 दिन लग सकते हैं पूरे प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के एग्ज़ाम में, मैक्सिमम 4 डेज का बंदोबस्त आपको करके ही जाना होगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी थी आपके डीवी और मेडिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।